गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम फिफ्थ क्लास। फिफ्थ क्लास, आज हम आपको साइंस में सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ाएंगे, टेस्ट योर लर्निंग कंप्लीट कराएंगे। तो सभी बच्चे ओपन करिए अपनी बुक्स, ये आपके बुक्स है साइंस की, और हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट योर लर्निंग। जो हमने आपको होमवर्क में दी थी बेटा, आप उसे चेक करिए। टेस्ट योर लर्निंग, टिक द करेक्ट ऑप्शन, पहले क्या आ रहे हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन, इसे आप मैच करिए। तो सभी मैच करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्प्रे अ लिक्विड ऑन इट्स एनिमी। तो कौन सा ऐसा एनिमल है जो एनिमीज को देखकर तुरंत स्प्रे करता है लिक्विड्स को, तो कौन है वो, सी स्लग, ईल, स्कॉर्पियन, स्कूंग। तो आंसर इज राइट, स्कूंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स प्ले डेड इन इट्स सी नो एस्केप। मतलब जो डेड के एक्टिंग्स करता है वो कौन है, आर्कटिक फॉक्स, आर्मडिलो, माउंटेन गॉट। द आंसर इज राइट नाउ, हॉन्ग स्नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डू नॉट यूज कैमोफ्लेज टू प्रोटेक्ट सेल्फ। तो कौन है, पुपली फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हाइब्रिड। तो कौन है हाइब्रिड वाला एनिमल्स जो उसको शीत निष्क्रियता की प्रॉब्लम्स होती है जो करता है, तो आंसर है हमारा चिपमुंक। ये गहरी नींद सो जाता है और अपनी एनर्जी को बचाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स एंजर्ड डेंजर। सो कौन है, स्क्वायरल, लॉक्टस, आर्कटिक या फिर चिरू। तो चिरू गॉट है बेटा, एंजर्ड एनिमल। तो नेक्स्ट आता है हमारा, ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा है राइट द ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट और एफ फॉर द फॉल्स वंस। जो ट्रू होगा उस पर आपको टी लिखना है, और जो आपका फॉल्स होगा, रॉन्ग आंसर होगा, उस पर आपको एफ बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रेडेटर आर जनरली लार्ज देन दे प्रे। ये पूछ रहा है, शिकारी हमेशा बड़े होते हैं जो प्रेडेटर मतलब शिकार करते हैं उनसे, तो यस राइट, तो इसमें होगा ट्रू। नेक्स्ट है, द हॉक मूथ कैटरपिलर डिफेंड सेल बाय मिमिकिंग अ सी स्लग। सी स्लग की वो मिमिकिंग नहीं करता, वो वाइपर्स जो स्नेक होते हैं उनकी करता है। अ चैलमैन कैंग चेंज कलर इज मर्ज विद द सराउंडिंग्स। तो इट्स राइट, जैसे ही चेंज होता है वो अपने चारों तरफ देख के अपने रंग को बदलता है गिरगिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहतूस इज ऑबिडेंट फ्रॉम अ माउंटेन गॉड। तो इट्स रॉन्ग, क्योंकि वो चिरू गॉड से मिलता है। इन इंडिया इज ए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1972। तो इसको फॉल्स। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं आंसर इन वन एंड टू वर्ड सेंटेंस वर्ड्स ओनली, तो ये आपको देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एनिमल सिंग्स अ डेंजर कर्ल्स अप इट्स बॉडी इन टू ए बॉल। किसके कर्ल्स जैसे होते हैं और क्या होता है, मतलब बॉल जैसा बन जाता है, तो इसका नाम है आर्मडिलो। आर्मडिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एनिमल विच मेक्स द लॉन्गेस्ट माइग्रेशंस। तो कौन सा एनिमल है जो लॉन्गेस्ट माइग्रेशंस मतलब लंबे प्रवासी होता है, काफी दूर की यात्रा करता है, बर्ड्स। व्हाट डू वी कॉल अ लॉन्ग समर स्लीप। कौन गैली नहीं, इसको क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन, क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। ये हाइबरनेशन होते हैं जो शीत निष्क्रियता, ये ग्रीष्म निष्क्रियता होती है, इसीलिए से एस्टिवेशन बोलते हैं जो समर स्लीप में सोते हैं। अब आ रहा है, नेम द डियर फेमस फॉर इट्स फ्रेगनेंस। तो कौन सी फ्रेगनेंस है जो डियर से मिलती है, मस्क, इसको बोलते हैं कस्तूरी। नेक्स्ट है, नेम द सेंचुरीज इन असम फेमस फॉर डायनासोर्स। डायनासोर्स के लिए जो असम में है वो कौन सी सेंचुरी है, तो उसको बोलते हैं काजीरंगा। आपको बताया था काजीरंगा में डायनासोर्स को रखा गया है स्पेशली, इसलिए काजीरंगा, ये असम में स्थित है। तो हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है बेटा, आप अपनी, आपको ये फिल करनी हो, मैच करके देखना आपके कितने राइट है। अब हमारे आते हैं आंसर इन वन सेंटेंस ओनली, जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो हैं, वो मैंने आपको एक नोटबुक पे लिखे हैं, जैसे आपको मूवी वर्क उसी के अकॉर्डिंग करना है। ये देखिए, एनिमल्स
फ्रैक्शंस एंड कंजर्वेशन शॉर्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, देखिए व्हाई डू पेंगुइन्स हंट फॉर फिश इन अ पैक। तो मैंने सारे क्वेश्चंस द नोट डाउन करे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू पेंगुइन हंट फॉर फिश इन अ पैक। तो हमारा आंसर है बेटा, द रीज़न इज दैट ए प्रेडेटर सच एज ए वायरलेस डिसाइड टू फीड ऑन पेंगुइन मोस्ट ऑफ द विल सर्वाइव। वो जो शिकारी होता है उसके लिए फिश को पैक में रखती हैं और उसको खिला देती हैं, जिससे वो उससे से अपना जीवन सर्वाइव करती हैं फिश। वाई डज अ विक्टोरी बटरफ्लाई मिमिक द मोनोर्च बटरफ्लाई। वो जो बटरफ्लाई होती है विक्टोरी, वो क्यों नकल करती है मोनोर्च बटरफ्लाई की? बिकॉज प्रोटेक्टिव मिमिक्री हेल्प द बटरफ्लाई, उसके लिए हेल्प रहती है नकल करने के लिए, टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम प्रोडक्टर और एनिमीज, जो शिकारी होते हैं और शत्रु होते हैं उनसे अपने आप को बचाने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वाई आर लक्टर्स हार्मफुल माइग्रेटरी इंसेक्ट्स। वो हार्मफुल क्यों होता है? दिस माइग्रेटरी इंसेक्ट सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग क्रॉप्स एंड डिस्ट्रॉय देम। क्योंकि वो है ना, ज़्यादातर उन पर प्रवास करता है जो क्या होती हैं, जो खड़ी फसलें होती हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू सम एनिमल्स हाइबरनेट। एनिमल्स हाइबरनेट की प्रोसेस क्यों होती है? क्योंकि हाइबरनेट लॉन्ग एंड डीप स्लीप दैट हेल्प दैट एनिमल टू सेव। इससे क्या होते हैं, वो सेव होते हैं एनर्जी एंड सर्वाइव विदाउट ईटिंग मच। क्योंकि उनके क्या होता है, बॉडी में टेम्परेचर की कमी आ जाती है जिसकी वजह से वो भोजन नहीं कर पाए, इसलिए वो स्लीप मतलब डीप स्लीप में सोने चले जाते हैं, गहरी नींद में। इससे उनकी क्या होती है, एनर्जी सेव होती है और विदाउट ईटिंग, बिना खाए वो अपना जीवन सर्वाइव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ यूनिक अबाउट गिर नेशनल पार्क। जो गिर नेशनल पार्क है वो यूनिक क्यों है? तो क्योंकि इसलिए यूनिक है बिकॉज द गिर नेशनल पार्क इन गुजरात, वो गुजरात में स्थित है। इन द ओनली एग्जाइटिंग हैबिटेट फॉर एजाइटिक लॉयन इन इंडिया। क्योंकि इंडिया के अंदर वही ऐसा गिर नेशनल पार्क है जहाँ पे एशिया की लॉयन मौजूद है। तो बेटा ये आपका कंप्लीट हुए हैं क्वेश्चन आंसर। अब आपको क्या करना है, आपका होमवर्क दिया है मैंने, लर्न एंड राइट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नोटबुक। आपको ये नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं अच्छी तरह से, और साथ में मैंने जो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट कराई है इसे भी अपनी बुक में फिल करना है। मैं इसकी फ़ोटो सेंड करूँगी और आप अपना वर्क कंप्लीट करना। ओके, हैव अ गुड डे।